हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंडियन कार को इस मेगा रैंप से लेकर के जाने वाले हैं। और जो भी कार हमारे इस रैंप को ऐसे जाकर के क्रॉस कर जाएगी, यहाँ पर देख पाओगे बहुत ही ज़्यादा पानी है। अभी आपको ये पानी बहुत ही ज़्यादा कम दिख रहा है, लेकिन जब भी कार आएगी तो वो कार लगभग लगभग पूरा डूब जाती है, इतना ज़्यादा यहाँ पर पानी है। तो इन सभी रैंप को क्रॉस करने के बाद और ये स्पीड बम्प्स को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर जो भी कार हमारी आ जाएगी वो कार हमारी विनर होने वाली है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे इंडियंस कार को लाने वाले हैं और देखते हैं कि कौन सी हमारे इंडियंस कार से यहाँ तक आ पाती है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग लेके चलने वाले अपने महिंद्रा बोलोरो को। तो यहाँ पर देख पाओगे रेड कलर में काफ़ी ज़्यादा मस्त ये हमारी बोलोरो लग रही है। तो सबसे पहले हम लोग इसी कार को लेकर के चलने वाले हैं और देखते हैं कि क्या यह कार हमारी मिशंस को कंप्लीट कर पाती है, क्या यह लास्ट छोर तक जा पाती है, तो ये देखने वाली बात होगी। तो हमारी कार यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और इसकी स्पीड भी आप देख पाओगे पकड़ चुकी है स्पीड ये। तो हमें इसे स्लो स्लो करके ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यार आपको बता दूं बहुत ही ज़्यादा स्पीड बम्प्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ये स्पीड बम्प्स है, हमने इसको क्रॉस करने की ठान ली है। तो चलिए इसको लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली मिशंस को कंप्लीट कर पाती है। तो भाई साहब, यहाँ पर देख पाओगे अभी जो लहर थी वो घट चुकी थी, तो इसलिए यहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा कम थी। ओके, जब भी यहाँ पर लहर से आती है तो बहुत ही ज़्यादा पानी हो जाती है, जैसा कि अभी आप देख पाओगे लहर आ चुकी है। तो वो भाई यार अपनी कार जो है बोलेरो यार पूरा डूब चुकी थी, लेकिन यार बोलेरो बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग में कार आती है तो ये बहुत आसानी से निकाल चुकी है। और यहाँ पर देख पाओगे पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी। और यहाँ से हम लोग अपने एक स्पीड बम्प्स को तो क्रॉस कर चुके हैं। और यहाँ पर देख पाओगे ओ भाई, मतलब यार कितना कम भी पानी रहे तो कम से कम चक्का पूरा डूब ही जाता है, इतना ज़्यादा पानी रहता है। और यहाँ पर भी देख पाओगे यार ओ भाई, तो भाई हमने यार सेकंड स्पीड बम्प्स को तो बहुत ही आसानी से क्रॉस कर लिया है। और मैं आपको बता दूं यार, बोलेरो के लिए उतना खास दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही अच्छी गाड़ी है, तो ये कर सकती है। तो जैसा कि आप देख पाओगे भाई, ये थर्ड हमारी जो स्पीड बम्प थी वो ओ भाई यार, जैसा कि अभी आपने देखा यार, पूरी हमारी बोलेरो जो है डूब चुकी थी पानी के अंदर, लेकिन यार ये इतनी ज़्यादा मजबूत होती है ऑफ रोडिंग के लिए कि वो अच्छे तरीके से क्रॉस कर चुकी है। और यहाँ पर देख पाओगे ये हमारी लास्ट स्पीड बम्प्स है जिसको क्रॉस करके ये अपने मिशंस को कंप्लीट कर लेगी। तो यहाँ पर देख पाओगे हमने यहाँ से भी इसे उतार दिया है, लेकिन भाई साहब ओ भाई यार, हमें लगा कि कहीं गाड़ी हमारी बंद ना पड़ जाए, लेकिन नहीं यार, ये अपनी मिशंस को कंप्लीट करने के कगार पे है, जैसा कि आप देख पाओगे। और ये सबसे बड़ा स्पीड बम्प्स है, तो इसको जैसे ही क्रॉस करेगी तो हमारी ये बोलेरो जो है वो सक्सेसफुली क्रॉस कर जाएगी। और फाइनली हमारी फर्स्ट कार जो है बोलेरो वो फाइनली अपने मिशंस को कंप्लीट कर चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। और नेक्स्ट कार जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है महिंद्रा स्कॉर्पियो, तो उसको अब हम लोग लेकर के आने वाले हैं। तो भाई साहब, हमारी जो इस लिस्ट में अगली गाड़ी है वो हमारी होने वाली है महिंद्रा स्कॉर्पियो, और उसके बाद हम लोग लेकर के चलने वाले हैं वैगनार को। तो सबसे पहले हम लोग स्कॉर्पियो को लेकर के चलते हैं, फिर हम लोग लेकर चलेंगे वैगनार को, ठीक है। तो यहाँ पर भाई देख पाओगे हमारी स्कॉर्पियो कुछ ऐसी दिख रही है, जो काफ़ी मस्त लग रही है, पूरा ओरिजिनल लगती है। जो भी हमारी GTA 5 में कार्स होती है वो पूरी की पूरी ओरिजिनल लगती है। तो भाई साहब, हमने अपने स्कॉर्पियो को तो ले लिया है और यहाँ से इसको लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि क्या यह हमारी उस मिशंस को पार कर पाएगी जैसा कि अभी हमारी बोलेरो ने की है। तो हमको लगता है यार कर पाएगी, क्योंकि महिंद्रा की कार्स बहुत ही ज़्यादा एफर्ट वाली होती है, तो वो कर पाएगी। तो इसको भी हम लोग लेकर चलते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा था बोलेरो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाई थी, और तो स्कॉर्पियो भी कर लेगी, ठीक है। तो भाई साहब, यहाँ से हमको थोड़ी आराम आराम से चलनी पड़ेगी, आराम आराम से थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा पहला स्पीड बम्प्स, और भाई स्कॉर्पियो की किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यार इसको पानी बहुत ही ज़्यादा कम मिल रही है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा पानी मिल रही है। ओ भाई पूरा यार हमारी स्कॉर्पियो जो थी वो पानी के अंदर आ चुकी थी, लेकिन कोई नहीं यार, हमारी पहली स्पीड बम्प्स को बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी स्कॉर्पियो ने क्रॉस कर चुका है। और यहाँ पर ये देख पाओगे भाई साहब, सेकेंड स्पीड बम्प्स है और इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। तो भाई यहाँ पर देख पाओगे कितनी ज़्यादा पानी है। ओ भाई यार, मतलब पूरी की पूरी कार ही डूब जा रही है अंदर, पानी के अंदर, लेकिन यार ये सब कार होती है बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग के लिए, तो बहुत ही अच्छी तरीके से क्रॉस कर जा रही है, जैसा कि आप देख पाओगे। तो ये हमारी तीसरी स्पीड बम्प्स है और इसको भी बहुत आसानी से हमारी स्कॉर्पियो कर चुकी है, बोलेरो से भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है, क्योंकि बोलेरो यार थोड़ा सा उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन स्कॉर्पियो में उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है, स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छे तरीके से कर रही है। और स्कॉर्पियो को थोड़ा कम पानी भी मिला है, ये बात तो है, बोलेरो को थोड़ा ज़्यादा पानी मिले, क्योंकि यार उस समय ज़्यादा लहर थी। और यहाँ पर देख पाओगे एक लास्ट हमारी ये लहर है, इसको क्रॉस करने के बाद हमारी स्कॉर्पियो भी विनर हो जाएगी। तो भाई साहब, यहाँ पर देख पाओगे ये भी अच्छी तरीके से क्रॉस कर चुकी है, और ये रही हमारी लास्ट स्पीड बम्प्स
और इसको क्रॉस करने के बाद हमारे यहाँ जो स्कॉर्पियो है ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से विनर हो चुकी है जैसा कि आप देख पाओगे। तो यहाँ पर मैंने इसको हम इसे पार्क कर देते हैं और इसके बाद चलते हैं सुजुकी के वैगनार है उसको लेकर के आते हैं। भाई साहब ये हमारी स्कॉर्पियो और बोलोरो काफ़ी अच्छी तरीके से अपने मिशंस को कंप्लीट कर चुकी है, तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो भाई साहब इस लिस्ट की जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है सुजुकी वैगनार, तो इसको लेकर के चलते हैं। और इसके बाद हम लोग लेकर के चलेंगे सुजुकी स्विफ्ट। आपको बता दें वैगनार और स्विफ्ट जो है इंडियन फैमिली के लिए, मिडिल क्लास इंडियन फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी कार है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। तो इसको लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारे वाटर स्पीड को क्रॉस कर पाएगी। उसी के साथ यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी स्पीड बम्प्स है, तो क्या उसको भी क्रॉस कर पाएगी, तो ये देखने वाली बात होगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटी कार से। आपको बता दें जब यार बोलेरो और स्कॉर्पियो डूब सकती है तो यार वैगनार कौन सी बड़ी बात है। ओ भाई यार कितनी ज़्यादा पानी आ चुकी है, हमको नहीं लगता कि ये हमारी कार क्रॉस कर पाएगी, लेकिन यार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। और भाई ओ भाई पहली यार वाटर क्रॉसिंग को तो काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी वैगनार ने क्रॉस कर लिया है। जैसा कि आपने देखा यार इतना ज़्यादा पानी यार स्कॉर्पियो और बोलेरो के समय नहीं थी जितना यार इसके समय आ चुकी है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि छोटी गाड़ी है तो थोड़ा भी पानी आएगा तो लगेगा कि हाँ ज़्यादा पानी है, छोटी गाड़ी है तो लग जाती है, ठीक है। तो यार हमारी पहली स्पीड बम्प्स को तो ये क्रॉस कर चुकी है, अब देखते हैं कि हमारी ये सेकंड स्पीड बम्प्स को कैसे क्रॉस कर पाएगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है जो ये बीच बीच में लहर आ जाती है बहुत ज़्यादा, वही दिक्कत करती है, नहीं तो बाकी बात सभी कार्स तो जा ही पाएगी। भाई साहब क्या ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है हमारी वैगनार को, जैसा कि देख पाओगे ये ऊपर तक नहीं जा पा रही है, लेकिन यार कैसे कैसे करके इसको ले जाया जा रहा है। ओ भाई तो ये देख पाओगे हमारी ये सेकंड स्पीड बम्प्स को भी क्रॉस कर चुकी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है और यहाँ पर भी ये निकल जाएगी। हाँ तो भाई साहब यहाँ पर भी ये निकल चुकी है। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल अभी तक किसी को करना पड़ा है तो वो है हमारी सुजुकी वैगनार, तो इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है अभी तक। भाई यहाँ पर तो पानी इसको नहीं मिला, तो अच्छी बात है पानी नहीं मिला तो, लेकिन यार इतनी बड़ी स्पीड बम्प्स को चढ़ने में इसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ से हम इसको निकालते हैं और देखते हैं कि क्या यार ये थर्ड हमारी जो स्पीड बम्प से इसको क्रॉस कर पाएगी। तो जी हाँ ये थर्ड हमारी जो स्पीड बम्प से उसको भी आसानी के साथ क्रॉस कर चुकी, आसानी तो इसको नहीं बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के साथ ये क्रॉस कर चुकी है। और ये हमारी है लास्ट स्पीड बम्प्स, अगर इसको क्रॉस कर लेती है तो ये भी हमारी विनर हो जाएगी। लेकिन आपको तो पता चल चुका होगा कि बोलेरो और स्कॉर्पियो से इसको कितनी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है। ओ भाई इसमें भी कितना ज़्यादा पानी है, जी हाँ। तो ये भी हमारी जो है लगभग लगभग इस मिशंस को कंप्लीट कर चुकी है, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या यह लास्ट जो वाटर ड्रॉप है उसको क्रॉस कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो जी हाँ ये कर चुकी है और ये हमारी सबसे बड़ी स्पीड बम्प से इसको क्रॉस कर पाती है या नहीं। तो भाई साहब ये भी हमारी क्रॉस कर चुकी है और ये हमारी सुजुकी की वैगनार भी फाइनली हमारे मिशंस को कंप्लीट कर चुकी है। तो इसके बाद हम लोग लेकर के आने वाले हैं सुजुकी स्विफ्ट, तो चलिए अगली कार की तरफ चलते हैं। तो भाई साहब इस लिस्ट की जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है सुजुकी स्विफ्ट और इसके बाद हम लोग लेकर के चलने वाले हैं हुंडई की वैलिस्टर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्विफ्ट को लेकर के चलते हैं और जैसा कि आपने देखा था अभी जो हमारी पिछली गाड़ी थी वैगनार वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद अपने मिशंस को कंप्लीट कर पाई है और उससे भी ज़्यादा छोटी ये कार है स्विफ्ट, तो देखते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली जा पाती है, देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात है कि यार पानी को क्रॉस करना ही इसके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगलफुल रह रहा है क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाने के कारण यार गाड़ी पूरी की पूरी अंदर चली जा रही है और इसकी जो व्हील है काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो जैसा कि आप देख पाओगे इतनी सी कम पानी में ही इसकी पूरी हालत ख़राब हो चुकी है। क्या ये हमारी क्रॉस कर पाएगी यार फर्स्ट, ओ भाई। तो जैसा कि आप देख पाओगे यार सुजुकी के जो स्विफ्ट कार है वो हमारी यहीं पे बंद पड़ चुकी है और इतना ज़्यादा पानी है कि यार मतलब पूरा गाड़ी अंदर चल चुकी है, तो यहाँ पर ये इसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस कार को हटाते हैं इस रास्ते से और अपने जो दूसरी गाड़ी है उसको लेकर के आते हैं और देखते हैं कि क्या वह कार भी आगे तक जा पाती है या वो भी कहीं बीच में ही दम तोड़ देगी, तो देखने वाली बात होगी। सुजुकी स्विफ्ट तो यार फर्स्ट मिशन में ही फेल हो चुकी है। तो भाई साहब इस लिस्ट की जो हमारी अगली कार है वो है हुंडई की बोलेरो, तो हम लोग इसको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि क्या यह सक्सेस पुली जा पाती है या फिर यार सुजुकी स्विफ्ट की तरह ही बीच रास्ते में बंद हो जाती है, देखने वाली बात होगी। इसके बाद हम लोग लेकर के चलेंगे अपने फॉर्च्यूनर को, तो सबसे पहले इस कार को हम लोग लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली अपने मिशंस को कंप्लीट कर पाती है या ये भी कहीं स्विफ्ट की तरह बीच रास्ते में ही दम न तोड़ दे, तो ये देखने वाली बात होगी। तो भाई साहब ये स्पीड बम्प्स को काफ़ी अच्छे तरीके से क्रॉस करने की इसके पास क्षमता है, लेकिन यार देख पाओगे कितना ज़्यादा पानी आ चुका है और कहीं ये भी बीच में ही ना दम तोड़ दे। ओ भाई 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 ओ भाई ओ भाई कहीं ये अंदर ना चला जाए, वो भाई यार ओ भाई। तो जैसा कि आप देख पाओगे यार इसकी तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी क्योंकि यार पानी इतना जोर था कि वो मतलब बाहर गिरने की कगार पे था, लेकिन यार
इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लाया है। और जैसा कि आप देख पाओगे ये फर्स्ट स्पीड बम्प्स के काफ़ी ज़्यादा करीब है और ये स्ट्रगल कर रही है यार, छोटी गाड़ी है और इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत कार है, ये भी अच्छी बात है, इसलिए ये आगे निकल चुकी है और इसको लेकर चलते हैं। भाई साहब फर्स्ट स्पीड बम्प्स को तो ये क्रॉस कर चुकी है, अब चलते हैं अपने सेकंड स्पीड बम्प्स की तरफ और देखते हैं कि क्या ये सेकंड स्पीड बम्प्स को भी क्रॉस कर पाती है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण इसकी भी हालत बुरी तरीके से ख़राब हो जा रही है। जैसा कि हमारी स्कॉर्पियो और बोलेरो ने किया, उसका यार बड़ा बड़ा व्हील था और वो ऑफ रोडिंग के लिए ही जाना जाता है, तो वो लोग अच्छे तरीके से क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन यार इन सभी कार्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख पाओगे ये दो वाटर क्रॉस को तो अच्छे तरीके से क्रॉस कर चुका है। ओ भाई इतनी ज़्यादा लहर थी, लेकिन यार ये बीचों बीच निकल चुकी है, बहुत कम पानी के साथ इसको निकलना पड़ रहा है, तो इसका ये जो थर्ड वाटर क्रॉसिंग था काफ़ी अच्छा रहा। ओ भाई भाई बंद मत होना, बंद मत होना। ओ भाई जैसा कि आप देख पाओगे यार इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने आप से ही, बहुत ज़्यादा पानी आ जा रही है। ओ यहाँ पर देख पाओगे थोड़ा भी पानी नहीं था, तो ये अपने फोर्थ जो स्पीड बम्प्स है इसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से क्रॉस कर चुका है। एक समय था कि लग रहा था कि वो यार मतलब शुरू में ही ये दम तोड़ देगी, लेकिन जैसे ही वो इन्होंने अपने आप को संभाला और उसके बाद यहाँ पर देख पाओगे ये मिशन को कम्प्लीट करने के कगार पर आ चुका है। ओ भाई यार इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर आ रहा है पानी का, इतना ज़्यादा लहर है कि लग रहा है कि गाड़ी मतलब इसको धक्का दे करके कहीं और ले जाएगी। तो फाइनली हमारी ये कार भी यहाँ तक आ चुकी है, चार कार हमारी सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुकी है, तो इसके बाद हम लोग लाने वाले अपने सबसे पसंदीदा कार्स फॉर्च्यूनर को। तो चलिए अब चलते हैं और अपने कार्स को ला। तो भाई साहब इस लिस्ट की जो हमारी अगली कार है वो हमारी और आपकी फेवरेट है फॉर्च्यूनर, तो इसको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी ये फॉर्च्यूनर आगे तक जा पाती है, अपने मिशंस को कंप्लीट कर पाती है नहीं कर पाती है, देखने वाली बात होगी। और इसके बाद हम लोग जो कार लेकर के चलने वाले हैं वो ले जाएंगे सुजुकी विटारा, वो भी काफ़ी अच्छी कार है, महंगी कार है और भारी कार्स भी है, तो उसको भी लेकर जाएंगे। इसके पहले यार हम लोग अपने फॉर्च्यूनर को लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही सलामत सक्सेसफुली जा पाती है नहीं जा पाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भारी गाड़ी है और ये भी ऑफ रोडिंग के लिए ही जानी जाती है, लेकिन क्या ये जा पाएगी या नहीं जा पाएगी देखने वाली बात होगी। तो फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये कर चुकी है और यहाँ पर देख पाओगे यार फर्स्ट जो स्पीड बम्प्स है सामने आ चुका है, लेकिन यार इसको स्पीड बम्प से उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर गाड़ी है। तो भाई साहब यहाँ पर देख पाओगे फर्स्ट जो स्पीड बम्प से उसको क्रॉस कर चुकी है, एंड यहाँ से हम इसको लेकर चलते हैं और देखते हैं आगे की तरफ। वो इसका यार किस्मत भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पानी इसको बहुत ही ज़्यादा कम मिल रहा है, तो यहाँ पर देख पाओगे ये सेकंड भी स्पीड बम्प्स को अपने क्रॉस कर चुकी है, तो यहाँ पर भी पानी उतना ज़्यादा था नहीं, चक्का तक था तो वो आसानी से क्रॉस कर चुकी है। एंड आ चुके हम लोग तीसरे वाटर बम्प्स की तरफ। ओ भाई यहाँ पर, ओ भाई यार यहाँ पर इसकी हालत ख़राब होने वाली थी जैसा कि आपने देखा, लेकिन कोई नहीं ये भी क्रॉस अपना कर चुकी है और ये इसका थर्ड स्पीड बम्प्स था जो आसानी से क्रॉस कर चुकी है। और मैं आपको बता दूँ यार फॉर्च्यूनर की किस्मत भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि इसको ज़्यादा पानी झेलना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यार जब भी ये क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पर लहरी ख़त्म हो जा रहा है जैसा कि यहाँ पर भी हो रहा है जैसा कि आप देख पाओगे। तो ये भी अपने मिशंस को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुकी है जैसा कि हमको लग रहा है और आपको भी लग ही रहा होगा। तो भाई साहब जी हाँ ये भी अपने मिशंस को आसानी के साथ कंप्लीट कर चुकी है। इसके बाद हम लोग लाने वाले अपने सुजुकी विटारा को, तो देखेंगे कि क्या वह कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो भी कार काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तो भाई साहब यहाँ पर देख पाओगे अपनी फॉर्च्यूनर भी मिशंस को कंप्लीट कर चुकी है, थोड़ा ज़्यादा ही इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन कोई नहीं ये भी अपने मिशंस को कंप्लीट कर चुकी है भाई साहब। तो यहाँ पर देख पाओगे, तो चलिए यहाँ से उतरते हैं और चलते हैं अपने सुजुकी विटारा की तरफ और देखते हैं कि क्या वह कार हमारी यहाँ तक आ पाती है या नहीं आ पाती। तो भाई इस लिस्ट की जो हमारी आखिरी कार होने वाली है वो होने वाली है सुजुकी ग्रैंड विटारा। जैसा कि आप देख पाओगे हमने पूरी ब्लैक कलर की एक कार ली है जो काफ़ी मस्त लग रही है, तो चलिए इस कार को लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी लिस्ट की आखिरी कार है, क्या ये वहाँ तक जा पाती है नहीं जा पाती है देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर हमारी ये कार स्टार्ट हो चुकी है जैसा कि आप देख पाओगे, और हमें भी लगता है कि ये कार आसानी से अपना जो ये मिशन है उसको कम्प्लीट कर लेगी, क्योंकि ये मिशन उतना खास टफ तो नहीं था, लेकिन यार छोटी गाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ था क्योंकि इतना ज़्यादा पानी आ जा रहा था जैसा कि अभी आप देख पाओगे। ओ भाई यहाँ पर तो यार बड़ी बड़ी गाड़ी की भी हालत ख़राब हो जाए, तो ये तो छोटी गाड़ी है जैसा कि आप देख पाओगे। तो यार फर्स्ट जो वाटर क्रॉसिंग है उसको यार कम्प्लीट कर चुकी है अपनी ये जो कार है सुजुकी ग्रैंड विटारा, और यहाँ पर देख पाओगे यार क्या ही मस्त तरीके से अपनी ये स्पीड बम्प्स को क्रॉस कर चुकी है सुजुकी ग्रैंड विटारा। ओ भाई ये तो यार बहुत ही मस्त लग रही है और बहुत ही मस्त तरीके से अपनी ये मिशंस की तरफ आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर इसको पानी ही थोड़ा कम मिला, लेकिन कोई नहीं ये अपने सेकेंड स्पीड बम्प्स की तरफ है और यहाँ पर इसको ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो
यहाँ पर भी ये निकल चुका है जैसा कि देखो भाई, यहाँ पर भी अपना कार ये काम कर चुकी है, आधा आधा काम तो कर चुकी है। दो स्पीड बम्प्स को काफ़ी आसानी के साथ ये क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि इसको आसानी बोलेंगे क्योंकि इस कार को उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है उन सभी कार्स की तरह। जैसा कि आपने देखा था, बुलोरो और स्कॉर्पियो को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी, जबकि वो पूरी की पूरी फुल्ली ऑफ रोडिंग कार है। फिर भी और यहाँ पर देख पाओगे भाई साहब, वो भाई तो ये अपनी लास्ट जो थी स्पीड बम्प्स, इसको भी आसानी के साथ क्रॉस कर चुकी है। और यहाँ पर वाटर लेवल थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन कोई नहीं यार, ये कर पाएगी। तो यार फाइनली अपनी ये कार भी मिशंस पे आ चुकी है, मिशंस को कंप्लीट करने के कगार पे है। लेकिन भाई साहब, ओ भाई कितना ज़्यादा पानी आ चुका था जैसा कि आप देख पाओगे, लेकिन फाइनली ये भी कार अपनी मिशंस को कंप्लीट कर चुकी है। तो अपनी पांच कार या छः कार अपनी यहाँ पर सारी मिशंस को कंप्लीट कर चुकी है, एक कार अपनी वो मिशंस को कंप्लीट नहीं कर पाई है। और यहाँ पर देख पाओगे तो हमने इन सभी कार्स को यहाँ तक तो ला दिया है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह छोटी सी वीडियो कैसी लगी है, और आप भी चाहते हो कोई अपनी फेवरेट कार को इन GTA 5 के गेम में लाना, तो आप हमें यह भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप जो भी कार बोलोगे हम लोग उस कार को अगले गेम में, अगले वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। तो ज़रूर आप कॉमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से कार को देखना चाहते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।